नमस्कार सर, मैं हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म इसमें क्या क्या पढ़ेंगे तो इसका इंट्रो देखेंगे। ठीक है, इसका इंट्रो देखेंगे, टाइप्स आप क्या देखेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे, टाइप्स आप आइसोमेरिज्म देखेंगे, टाइप्स आप आइसोमेरिज्म। क्लासिफिकेशन आप हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें क्या क्या देखेंगे तो हम इसका इंट्रो देखेंगे, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म देखेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म देखेंगे। तीन टॉपिक देखने वाले हैं मोस्टली इस वीडियो में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आइसोमेरिज्म, इसका क्या देखेंगे, इंट्रो देखेंगे। तो हमारा आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है। आइसोमेरिज वह फिनोमिना होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला सेम होता है परंतु उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, लिख के एक बार बता देते हैं आपको क्या होता है वह फिनोमिना, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है परंतु उसका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंस होता है। उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये क्या हो गया हमारा, परिभाषा हो गया। ठीक है, परिभाषा क्या हो गया हमारा, वह फिनोमिना जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड, ठीक है, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होता है परंतु उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, पहला हो जाएगा स्ट्रक्चर, पहला क्या हो जाएगा स्ट्रक्चरल, आइसोमेरिज्म। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, स्टीरियो, आइसोमेरिज्म। ठीक है, हमारा क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, किसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा परंतु स्ट्रक्चरल क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। और डिफरेंस होने के कारण इसके क्या हो जाए है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, डिफरेंस होने के कारण क्या होता है इसका, फिजिकल एंड केमिकल, प्रॉपर्टी में चेंजेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। और दूसरा क्या होता है हमारा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर दोनों सेम होता है, फिर भी क्या होता है इसका, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री दूसरा इसका टाइप्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला, सेम एंड
स्ट्रक्चर सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहता है, इसका डिफरेंस रहता है, चेंज रहता है। ठीक है, हमारा क्या हो गया, क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक, हमारा आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म की परिभाषा बता देते हैं आपको। आइसोमेरिज्म परिभाषा क्या है, जब आइसोमेरिज्म वह फिनोमिना होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें मॉलिकुलर फार्मूला या स्ट्रक्चर समान होता है, फिर भी उसके केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, चेंजेस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं, पहला स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है, परंतु क्या होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंस होता है, होने के कारण क्या होता है, डिफरेंस होने के कारण उसका मॉलिकुलर के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस होते हैं, उसको एग्जांपल के थ्रू अभी समझाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर भी सेम होता है, परंतु उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में फिर भी उसमें चेंजेस होता है। ठीक है, इसका एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर का C3H6O। ठीक है, ये इसका वो है, ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंस रहता है, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, CH3CH2 और ये हो जाएगा CHO। देखो क्या है, इसका C2H6, ठीक है, C2H6O, ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका दो स्ट्रक्चर अलग अलग, देखो CH3CH2OH, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एल्कोहल हो गया, एल्कोहल ग्रुप एक बन गया। स्ट्रक्चर देखो हमारा मॉलिक्यूलर क्या है, एक मॉलिक्यूलर है, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या हो गया, दो स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। देखो क्या होता है, ये क्या हो गया, हमारा एल्कोहल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, कीटोन हो गया, और दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होता है, इसको आपको याद रखना है। ये कीटोन नहीं होगा, सॉरी ईथर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा ईथर होगा। तो देखो ईथर और एल्कोहल दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये हमारा किसका एग्जांपल है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का क्या है, हमारा उदाहरण है। तो इसमें क्या बोला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम रहेगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंस है। स्ट्रक्चर डिफरेंस होने के कारण क्या होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है। ठीक है, दूसरा का क्या होता है, हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, दोनों डिफरेंस होता है, इसको देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, C00H ये देखो। ठीक है, दोनों कंपाउंड क्या है, इसमें मॉलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर दोनों सेम है, इसमें सेम है बट क्या होता है, इसका जो हाइड्रोसिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देखो OH दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जगह में है, ये क्या बोल सकते हैं, इसको मिरर इमेज बोल सकते हो, इसके कारण, ठीक है, OH दूसरे दूसरे जगह जुड़ा है, इस कारण क्या होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, चेंजेस होता है। किस लिए होता है, क्योंकि दोनों OH ग्रुप क्या होता है, एक मिरर इमेज के द्वारा जुड़ा हुआ है, मिरर इमेज बोल सकते हो इसको। तो ये क्या हो गया, हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन आपको बताते हैं। अभी तक क्या बता दिया हमने, इंट्रो बता दिया, इसका टाइप्स बता दिया, अब क्या करते हैं उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन इसका करते हैं। किसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन आपका हो गया, हमारा क्लासिफिकेशन आप आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लासिफिकेशन आप आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, हम देखे थे इसका आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसका हम एग्जाम्पल और इसका परिभाषा बता चुके। ठीक है, अब इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर का भी 6 प्रकार होता है। ठीक है, पहला पोजिशन, पोजिशन होता है पोजिशन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म और मेटा मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। ठीक है, मेटा
मेटा मेरिज आइसोमेरिज में, ठीक है, ये हमारा 6 टाइप हो गया। अब दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा टाइप हमारा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज में। इसके 2 प्रकार होता है, कन्फ्यूग्रेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज में, ठीक है। अब कन्फ्यूग्रेशनल के 2 टाइप्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज में, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज में। एग्जाम के पर्पज से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको हम अलग से वीडियो में एकदम दोनों को ही अलग से समझाएंगे। आज केवल हम इस 6 ये 6 जो है इस टाइप के इस पार का, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के 6 प्रकार को ही हम आज का करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, पोजीशन, चैन, रिंग, फंक्शनल और टाटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, ये इसको हम क्या करेंगे बताएंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, पहला हमारा क्या है, पोजिशन। पोजिशन आइसोमेरिज्म, ये हमारा क्या हो गया, आप देख रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इस तरह के आइसोमेरिज्म में, ठीक है, कार्बन में फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर उसका फार्मूला रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद क्या होगा, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, ठीक है। ये होता है क्या चीज़ होता है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन में अलग अलग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं C3H, ठीक है, ये प्रोपेन है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं क्या होता है, देखो ये C3HO, ठीक है, इसका क्या है हमारा ये एग्जाम्पल है। इसको अगर देखो विस्तार करते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं तो क्या होता है, CH3, यहाँ रेड में लिख देता हूँ, CH3, CH2 और क्या हो जाएगा हमारा CH2O, ठीक है। यहाँ क्या होता है हमारा, हम क्या देख रहे हैं एक्चुअल में, हम C3H8O देख रहे हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस प्रकार भी हो सकता है, और क्या हो सकता है दूसरा, मोडिफाई इसको करके C3OH और CH3, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास फार्मूला क्या है, एक ही है, लेकिन इसको हम 2 प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसका दोनों का क्या है हमारा फंक्शनल, देखो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जगह जुड़ा हुआ है, एक में क्या है किनारे जुड़ा है, पहला स्थान में जुड़ा है, एक में दूसरा स्थान में जुड़ा है। तो क्या होता है हमारा, देखो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा एक है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला एक ही चीज़ का हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, प्रोपेन 1 अल, ठीक है, दूसरा हमारा प्रोपेन 2 अल, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसको हम अलग अलग स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझा दिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल और इसी का देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या देखते हैं, C4H8 का, ठीक है, C4H8 का देखते हैं। तो क्या होगा इसका, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CH3, ठीक है, और CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड को हम क्या किए हैं, एक में डबल पोजीशन में दिए हैं, एक में लास्ट पहला पोजीशन में दिए हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूट टू इन, ठीक है, ब्यूट टू इन, और इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट 1 इन, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसका IUPAC नामकरण आप पढ़ चुके हो, उसमें सब कुछ क्लियर है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो C4H8 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और ये फार्मूला इस क्या हो जाएगा हमारा, C3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा मेन पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन चेंज है, नाम से ही आपको समझ आ जाएगा, पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड का है, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड ये दूसरा में है, इसमें डबल बॉन्ड पहला में है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा क्या होता है, चैन आइसोमेरिज्म, इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में चैन कार्बन का क्या होता है, कार्बन चैन डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है इसमें, होता है मॉलिक्यूलर एक रहेगा, उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या रहेगा, कार्बन का चैन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रहेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारा, एग्जाम्पल हमारा होगा C5H12, ठीक है। अब ये इसको हम कितने प्रकार से आपको बना सकते हैं, इसका चयन बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, ठीक है। ये हमारा एक क्या हो गया, चयन हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटेन, ये क्या है हमारा एक नॉर्मल है, ठीक है। ये इसको और आगे ले जा सकते हैं अपन, इसी को और मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा,
ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, ये क्या हो जाएगा? नियोपेंटेन। हम क्या देख रहे हैं? चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये चैन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, इसका चैन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है कार्बन का। ठीक है, और इसको और मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं? तो CH3, ठीक है, CH2 और CH3, ये क्या हो जाएगा हमारा? टू मेथिल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा हमारा? टू मेथिल ब्यूटेन। हमने क्या किए? तीन स्ट्रक्चर देखे, तीनों स्ट्रक्चर क्या है हमारा? डिफरेंस है। ये किसका है? चैन, ठीक है, चैन आइसोमेरिज्म का है। पहला देखिए जो एक सीधी श्रृंखला है, ठीक है, दूसरा देखिए हमारा क्या है, ये नियोपेंटेन है, ये कार्बन की श्रृंखला दिखा रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या किए हैं? कार्बन मेथिल को ऊपर रख के इसको क्या किए हैं? मॉडिफाई स्ट्रक्चर को केवल मॉडिफाई कर रहे हैं, तो नाम चेंज हो जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखते हैं? रिंग आइसोमेरिज्म देखते हैं। ठीक है, तीसरा टाइप क्या देखते हैं? रिंग आइसोमेरिज्म देखते हैं। हमारा तीसरा क्या हो जाएगा? रिंग आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में क्या होता है? स्ट्रक्चर या तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या तो ओपन फॉर्म में रहेगा या तो क्लोज रहेगा। ठीक है, या तो रिंग एग्जिस्ट करेगा, या तो रिंग बनेगा, या तो ओपन रहेगा, ओपन चैन रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? रिंग आइसोमेरिज्म। ठीक है, रिंग आइसोमेरिज्म। इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा C4H8 देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, इसमें क्या हो जाएगा? CH3, CH2, CH2 और CH3। ठीक है, ये क्या है हमारा? एक या तो रिंग में रहेगा, या रिंग ओपन रहेगा, या तो क्लोज रहेगा। ये रिंग हमारा क्या है? ओपन है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, चार कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और इसी को अपन क्या करते हैं, ये देखो, ये क्या हो जाएगा हमारा? साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, ये हमारा क्या हो गया? रिंग क्लोज हो गया। और इसी को और मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं अपन? CH3 क्या हो जाएगा इसका? मेथिल साइक्लोप्रोपेन। ये हमारा क्या हो गया? देखो इसमें क्या बोले हैं? रिंग चैन आइसोमेरिज्म, या तो ओपन रहेगा या तो क्लोज रहेगा, कहने का मतलब रिंग फॉर्मेशन करेगा। तो पहला देखो हमारा ओपन है, ओपन है तो हमारा क्या फार्मूला बना? हमारा ब्यूटेन बना। और इसको क्लोज कर दिए तो साइक्लोब्यूटेन हो गया। इसको मॉडिफाई करके किए तो क्या हो गया? ये मेथिल साइक्लोप्रोपेन। इस क्या है, किसका एग्जाम्पल है? तो ये हमारा रिंग चैन आइसोमेरिज्म का। ठीक है, मेन होता है एग्जाम्पल आपको पहचानना है और आपको बनाना है। ठीक है, परिभाषा आपको इसी से मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया? तीसरा हो गया रिंग आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें क्या होगा? या तो स्ट्रक्चर ओपन होगा या तो रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा हो गया। अब देखते हैं हम चौथा। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमारा क्या हो जाएगा? चौथा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? इस टाइप के आइसोमेरिज्म में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के नेचर में क्या होता है? चेंज होता है। फंक्शनल ग्रुप के नेचर में चेंजेस होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। C3H6O, ठीक है, इसको क्या करते हैं अपन? CH3CO CH3, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? CH3CH2CHOH। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के नेचर में चेंज होता है करके बोला है। तो देखो ये हमारा क्या है? कीटोन है, और ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड है। तो दोनों का अलग अलग है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो दोनों का स्वाभाविक है नेचर भी अलग अलग होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिए हैं। C3H6O, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इसका ये फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। और दोनों का इसमें ये क्या है? कीटोन है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो दोनों का जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर अलग अलग है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो दोनों का क्या होगा? नेचर भी अलग अलग होगा। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं हम मेटामरिज्म क्या होता है। ठीक है, हमारा देखो लास्ट क्या हो जाएगा? मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटा आइसोमेरिज्म। मेटा आइसोमेरिज्म में क्या होता है हमारा, देखे हैं तो इसमें क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चैन या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है, या तो उसका नेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें या तो फंक्शनल ग्रुप के
फंक्शनल ग्रुप कार्बन के, ठीक है, चैन का साइज में, चैन का साइज या उसका नेचर चेंज हो सकता है, ठीक है। इसके लिए स्पेशल कंडीशन क्या है, इसमें एटलीस्ट चार कार्बन होना जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेटा मैनेजमेंट में चार कार्बन होना जरूरी है, चार कार्बन रहेगा तभी ये मेटामॉरिज्म क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। चार कार्बन रहेगा तभी ये शो करेगा। और इसके लिए क्या होता है, ये ईथर, ईथर हो गया, एमीन हो गया, और क्या हो जाएगा, कीटोन हो गया, और एस, ये पता है। ये जब फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो क्या करेगा, ये मेटामॉरिज्म क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। ये दो कंडीशन इसके लिए है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या होता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप दिया है, पहला क्या है, एटलीस्ट चार कार्बन उसमें होना कंपलसरी है, और दूसरा ये फंक्शनल ग्रुप ईथर, एमोनिया, कीटोन और ये सल्फर, ठीक है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो क्या करेगा, मेटा आइसोमेरिज्म क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, C4H10O, ठीक है, C4H10। अब इसमें क्या करते हैं, CH3, CH2, CH2, ये इथर ग्रुप हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओ, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, C4H10 देखते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें कार्बन का बोले हैं, है ना, फंक्शनल ग्रुप से कार्बन किस चैन या तो छोटा हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है, इससे उसका नेचर भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। देखते हैं इसमें क्या होता है, CH3CH2, फिर क्या है, ओ है, CH3CH2, दोनों तरफ क्या है, कार्बन दो दो है, ठीक है। दोनों के बाद क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसमें क्या है, तीन कार्बन के बाद फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन के चेन या तो छोटा हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है, इसमें डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। अगर दो के रहता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। और दूसरा, अगर कार्बन अगर तीन होता है तो क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपेन ईथर, ठीक है। ये दोनों का क्या हो गया, चेंजेस हो सकता है, ये ऐसा है, ठीक है। टोटल क्या है हमारा आइसोमेरिज्म का, ये हो गया छठवां खत्म, पोजीशन, चैन, रिंग, फंक्शनल, मेटामॉरिज्म, ये छयों का हम एग्जाम्पल सहित आपको समझा दिए, और बच गया स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक इसको एक बार रिविजन करना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तब तक के लिए।